हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग पूरे दिन रही है और क्या न्यूज़ अपडेट है, अमेरिकन मार्केट में क्या अपडेट आई है उसके विषय में हम देखेंगे। साथ में प्राइस पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में फंसा है, रेंज को ब्रेक करेगा तो उस रेंज से आपको डबल मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप अगर उस रेंज को देखते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आज का मोमेंटम रहा है। उन सभी कंडीशन को हम देखें तो नए लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपडेट भी रहते रहें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। टाइम टाइम पर आप यहाँ से मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं डायरेक्टली। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देखेंगे कहाँ पर क्या बनता हुआ देखने को मिला है। तो डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग में हमारा डिस्कशन चल रहा था, उस समय हमारे लिए जो रेंज बनी हुई थी 105.34, ये सारी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। उसके बाद 105.5 का लेवल रहेगा, इसके पास भी आके अभी मार्केट खड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो सिचुएशन बनती हुई जा रही है, अभी कंसर्न पॉइंट ये है कि डॉलर भी ऊपर जा रहा है और साथ में जो सिल्वर है, गोल्ड है, वो भी पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एज कम्पेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ मोमेंटम थोड़ी कम है। बट अगर गोल्ड के कॉमेंट्स को देखते हैं तो उससे कंपेरिजन में यहाँ मिक्स अभी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपके लिए अलर्ट लेवल है। एक न्यूज़ अपडेट थी, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। और इसके लिए अगर मार्केट इसको सस्टेन कर ले जाता है तो फिर 105.6 इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और फाइनली जैसा आज का भी मूड बनता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी इसी रेंज में जो इसने हाई लगाया इसी बीच में इसको क्लोजिंग पॉइंट अभी से बनना चाहिए। एक न्यूज़ अपडेट जो अभी आई है, अमेरिकन मार्केट में जो बिल्डिंग परमिट्स है उसको रिगार्डिंग है, वो फॉरकास्ट था 1.47 के कंपेरिजन में 1.386 मिलियन के आसपास आया है। तो हमारे जो मेन यहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट है वो है इनिशियल जॉब लेस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, जो क्लेम लोग करते हैं। फॉरकास्ट था 239,000 के आसपास और एक्चुअल में आया है 238,000 के आसपास। इससे प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा था। और ओवरऑल कंडीशन आप देखते हो तो ये अगस्त के बाद में लगातार कंटिन्यू दो वीक में, ये वीकली डेटा है, तो दो वीक में अनएम्प्लॉयमेंट का लोगों ने क्लेम ज़्यादा ही किया है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन द यूएस जो इंक्रीज बाय 5,000 टू लगभग 238,000 के आसपास आया है इन सेकेंड वीक। जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था वो था लगभग 235,000 के आसपास, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशंस बना रखी थी। तो इस तरह से अगर कंडीशन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जॉब क्लेम में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है अनएम्प्लॉयमेंट में, तो इसके कारण से जो रिफ्लेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है और ओवरऑल जो कंडीशन बनेगी उसके बाद में अगर हाइएस्ट सिंस जनवरी टू रिफ्लेक्ट द अनएम्प्लॉयमेंट आर हैविंग मोर डिफिकल्टी टू फाइंडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट द रिजल्ट वर फर्दर एविडेंस ऑफ सॉफ्टनिंग यूएस लेबर मार्केट स्ट्रेंथनिंग द एज ऑफ फॉर फेडरल रिजर्व टू डिलीवर मोर देन 1 रेट कट दिस ईयर। और जो सारा प्रेशर बन रहा है सिर्फ फेड के ऊपर बन रहा है कि रेट कट अभी एक का बोला गया है लेकिन ऑफिशियली नहीं आया है। जुलाई में जो फेड की मीटिंग होगी उसमें कुछ स्टेटमेंट आता है तो बेटर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेशन जो ऐसा होता हुआ बन रहा है कि मोर देन 1 जॉब क्लेम, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों को जॉब मिलनी इजी हो जाएगी। तो इस न्यूज़ के विषय में अब हम फर्दर यहाँ पे देखते हैं। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये जो लेवल इसने बना रखा है इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, और लगातार हिट कर रहा है। EMA का सपोर्ट भी इसको मिल रहा है और कंडीशन काफ़ी मिक्स बनती हुई देखने को मिल रही। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो डॉलर इंडेक्स के कंपैरिजन में गोल्ड में थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा देखने को मिली है, स्पेशली गोल्ड कॉमेक्स में। इसने जो हायर साइड की रैली भी इंजॉय किया था उसको फिलहाल 2360 के आसपास गया है, जो हाईएस्ट इसने पॉइंट लगाया है लगभग इसका 59 के आसपास लगाया है। एक डॉलर नीचे से ही आके फिलहाल रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से अभी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो लेवल बन गया है 46 के आसपास, 2346 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम इसके लिए यहाँ पे करेगा। इसी बीच में इसको ट्रेवल करना चाहिए। सिमिलर वैसे यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहने वाली है जो गोल्ड है इसकी रहने वाली है। अगर आप रैली की बात से देख रहे हैं तो लगातार इसमें
एक डिप भी आया था, लेकिन डिप को ये मैंने सपोर्ट किया और धीरे धीरे करके ये लगभग 72,000 की तरफ रीच कर रहा है। मैंने आपके साथ शेयर किया था ये जब तक इस रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा। अब इसकी क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमारे लिए थोड़ा वॉच लेवल रहेगा। अब यहाँ पे हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर के लिए $30 का जो रेंज था इसको इसने टच किया है, और ओवरऑल कंडीशन अगर आप आज देखते हैं लगभग इसमें 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इन सभी तेज़ी के बाद में इम्पोर्टेंट लेवल जो इसके लिए बना हुआ है, अब अगर ये 30 के ऊपर निकलता तो इसको 31 के आसपास जाने के लिए पॉसिबिलिटीज बनती हुई देखने को मिलेगी। तो कंडीशन जो यहाँ बन रही थी काफ़ी अच्छी, जो मार्केट के इनपुट रह रहे थे कि कुछ फेड का रेट कट होगा, साथ में जो डिमांड है सिल्वर की एज कम्पेयर टू गोल्ड ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है, इन सभी के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो $30 के आसपास पहुँचा, 30.5 को इसने हिट किया है। और नीचे जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करते थे, रेजिस्टेंस हुआ करते थे, ये सारे लेवल्स अब इसके लिए सपोर्ट का ही काम करने वाले हैं। तो आपको ये कलर इसकी कोडिंग चेंज कर लेनी पड़ेगी, 29.9 या फिर आप $30 मान लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और फिलहाल के लिए 30.4 इसी बीच में इसकी क्लोजिंग पॉइंट अभी से बनता हुआ देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त फॉर्मेशन था, यूएस जॉब क्लेम का डाटा भी आ चुका है, और इन सभी के बीच में अगर आप देखते हो तो हमारे लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, एक ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती हुई जा रही थी, नीचे ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट बनती हुई जा रही थी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, मैंने आपके साथ रेंज शेयर किया था, जो इसने एक रेंज बना रखी थी, इसका जब भी ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट हायर साइड में होता है या फिर लोअर साइड में होता है, उसका डबल यहाँ पे प्रोजेक्शन आपके साथ शेयर होता है। मैं आपके साथ जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका पूरे दिन का रेंज रहा है, पूरे दो वीक का, ये लगभग 1200 से 1300 पॉइंट का रहा। इसका जो मोमेंटम आज का रहा है, लगभग एक दिन में ये 1500 पॉइंट के आसपास मूव किया है। तो ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस पैटर्न पर बिलीव करना पड़ता है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 100% लोगों ने यहाँ पे बाई ही किया होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ प्रोबेबिलिटी बन रही थी कि अलर्ट लेवल था कि लगातार हिट कर रहा है और धीरे धीरे अपसाइड शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को इनपुट चाहिए था, इनपुट मिला, और ये थ्रोली एक कैंडल जो आपको आवर्ली कैंडल देख रहे हो, यहाँ आपको अगर एंट्री करने का बिलीव आपको रहा होगा तो एंट्री करने का टाइम भी दिया, दोबारा से डाउन साइड भी आया है, तो इसने जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको हिट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे बना हुआ है। फाइनली आज का मोमेंटम इसने हायर साइड का कर दिया। इसके लिए दोबारा से जो ये 90,800 के आसपास तक की ये रेंज जो बना रहा है, यहाँ से लेके 91,200 की जो रेंज है, इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन का काम करेगा। और फाइनली अब इसके लिए 90,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम है, इसके नीचे अब इसको नहीं निकलना चाहिए। अभी इसने जो मोमेंटम किया है, धीरे धीरे करके हायर साइड निकलेगा अगर ये 90,000 के ऊपर क्लोज करता है। इसके नीचे निकलने पे ये थोड़ा अलर्ट लेवल रहेगा। फाइनली अभी इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया है, तो हो सकता है कि स्पाइक आपको 90 तक यहाँ देखने को मिले, उसके बाद में रिवर्सल का प्लान करें। तो ये इंपॉर्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाइंग सेलिंग के फ्रेंड्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर आप देखते हैं एक कैंडल जबरदस्त फॉर्मेशन के साथ में छोटी छोटी कैंडल बनाते हैं, दोबारा से ये सपोर्ट लेवल रहेगा। अभी सपोर्ट लेवल क्यों रहेगा, ऑलरेडी हम वीकली एनालिसिस में भी देखते हैं और रेगुलर डेली बेसिस में भी ये देखते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, इसको इसने ब्रेकआउट किया है, अभी लगभग 1:1 के आसपास का इसका रेंज रहा है। जैसे यहाँ पे 1300 पॉइंट की रेंज है, 1300 पॉइंट के रेंज के कंपैरिजन में ये लगभग 1500 पॉइंट का मोमेंटम किया है, और 1500 पॉइंट के मोमेंटम होने के बाद में अब ये दोबारा से 90,000 को एक बार रीच करने के लिए आएगा, उसके बाद में ही कुछ यहाँ पे दोबारा से प्राइस पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। तो अलर्ट लेवल है फ्रेंड्स जिन्होंने बाई कर रखा है और जिन्होंने सेल कर रखा है, दोनों लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली कंडीशन जो यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ने जबरदस्त मोमेंटम किया है, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेनेंस अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता तो थोड़ा हमारे लिए बेटर होता, खासकर जो पॉजिटिव देखना चाह रहे हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर दोबारा से इसी रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा। तो फाइनली ओवरऑल कंडीशन आज की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो एक्सपायरी है इस कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आप देखते हो तो 24 को आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो आपको अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर है, अभी इसमें फ़िलहाल के लिए
एक फ्राइडे है और 3 दिन और हमारे पास है, उसके बाद में इसमें चेंज ओवर आने के चांसेस बनेंगे, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। बाकी मार्केट में जैसी कंडीशन रहेगी मैं आपके साथ मॉर्निंग इवनिंग में शेयर करता रहूँगा। थोड़ा पॉजिटिवनेस आया है, वॉल्यूम भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने में उसके कंपेयर में उतना ज़बरदस्त वॉल्यूम अभी बायर साइड का नहीं बना है। जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में आज की यही होप है कि मार्केट की कुछ क्लोजिंग होगी वो लगभग 90,000 के ऊपर ही होने के चांसेस बनने चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।